हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का दिन थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद आज घर से बाहर निकलने वाले हैं और एक टेंपल में जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत दिनों बाद घूमने को जा रहा हूँ। कल भी गया था मैं, पर वो काम से गया था, पटियाला गया था मैं। आज हम पास में मेरे शहर में है एक, तो वो दिखाता हूँ। तो लेट्स सी, मैं आपको सारे हिस्ट्री डिटेल बताऊंगा। तो अभी निकलते हैं। तो गाइस, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो अच्छा, मेरे साथ आज मेरे बड़े भैया भी हैं। अच्छा जी, इनका नाम है ठाकुर आदित्य। तो ये हम एक टेंपल में आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू और कैसा है। लाइक एवरीथिंग बहुत अच्छा है, व्यू बताता हूँ और रास्ता बताता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा स्टेयर्स उतर के जाना पड़ेगा। ये देखो, ये सब भी स्टेयर्स उतर के नीचे तक जाना पड़ेगा। और ये मंकी भी है। गाइस ये देखो व्यू, कैमरा में इतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। गाइस ये है वो मंदिर और ये टेम्परेरी है। लाइक ये थोड़े सालों बाद ना कह रहे हैं कि मंदिर डूब जाएगा, और इसकी बाकी हिस्ट्री में बताता हूँ आपको। ये मेरे बुआ जी हैं। हाँ, गाइस आनंद आ रहा है। रैम्बो रैम्बो सिटिंग बिसाइड दिस व्यू, ओ क्या ही मजा आ रहा है। नेचर वाली जगह पे जाओगे ये ना तेरे और दोस्त ने। आहो, ये कल चेक किया था, कल तो कुछ और ही हुआ था। आहो, वो कुछ नेचर में तो आ जाए, वो कुछ नहीं था मैं जिम किया। कुछ अच्छी लग रही गॉगल्स तेरी, कौन से है ये? पोलराइड। हम ब्रांड प्रमोशन ही कर रहे हैं क्या? कौन सा है पोलराइड? पोलराइड ही कंपनी है। अच्छा, उनके और नाइस Nice। अब वापसी का टाइम है, है? काफी चढ़ाई है, हम थक गए हैं। थक गए। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं और फ्रेश होने के बाद अब टाइम है कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली इस मंदिर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की और क्या रोल प्ले करता है इसमें। तो जैसे कि आपको पता है, पांडवों को वनवास हुआ था 14 साल का और एक साल का था अज्ञातवास। तो जब पांडवों को वनवास था तो अलग अलग जगह जाकर रहते थे, जंगलों में गुफाओं में जाकर रहते थे, और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। जहाँ पर भी वो रहते थे वहाँ पर वो शिव जी की पूजा करते थे, शिवलिंग की स्थापना करते थे। तो ये मंदिर भी उन्हीं में से एक है एंड रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, और
रणजीत सागर डैम के पास। तो एक्चुअली में लाइक वो लोग यहाँ पर रहे थे और भी यहाँ से इसी मंदिर से 60-70 किलोमीटर डिस्टेंस में दूसरा इनका मंदिर है जिसके बारे में मेरे को पता है कि जहाँ पर पांडव वहाँ पर भी रहे थे। तो अब ये मंदिर जो है ना, तो इस मंदिर के आगे फिर से एक डैम बन रहा है, तो जिसके कारण वाटर लेवल, उस नदी साथ में बह रही थी आपको दिखाई मैंने, उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा और ये मंदिर पानी में डूब जाएगा। तो ये था लाइक पांडव यहाँ पर रहे थे और एक गुफा जो मैंने आपको बताई वो थी और दो तीन और अलग से दो गुफा और भी थी, वहाँ पर नहीं गया मैं लाइक, बहुत और भी स्टेट चढ़ के जानी पड़नी थी क्योंकि वो और छोटी कंडस्ट्री थी तो मैंने अवॉइड किया वहाँ पर जाना। तो ये है जब उनको हुआ था वनवास वो यहाँ पर रहे थे। तो इस तरह से ये लिंक है विद महाभारत। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पर, काफ़ी लोग भी आए थे और काफ़ी लोग नहा भी रहे थे पानी में, बट हमने भी अपने टाल्स वगैरह लेकर गए थे बट मेरे को फिर अच्छा लगा नहीं नहाने के लिए, हमने गाड़ी में छोड़ दिए थे ऊपर। तो ठीक है, काफ़ी बहुत ही ठंडा पानी था, लेकिन इतना ठंडा पानी था कि जब पैर डाले तो एकदम से पैर सुन्न हो गए थे, सर में दर्द सी होने लगी थी हल्की हल्की। तो ये था एंड एट द एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। एक मतलब कि काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था कि पहाड़ों के आसपास जाना है, कहीं घूमना है, उनके घर में इतने टाइम से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे भी उनकी अब खुल भी गए बट घूमने कहीं नहीं गए, तो इट वॉज लाइक बहुत टाइम बाद एक आउटिंग आई है, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे को ज़रूर बताइए किन फैक्टर्स पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ सो दैट आपको आगे अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। थैंक यू, बाय।